एवरीवन, सतनाम वाहेगुरु। तो कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर आज की इस मजेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की बेकिंग क्लास में मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट एंड मॉइस्ट एंगर बेकरी का बहुत ही फेमस ये सूजी से बनने वाला केक। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। बिल्कुल फर्स्ट टाइम में एकदम परफेक्ट आप भी इस केक को बना सकते हैं। एगलेस रेसिपी है, बहुत ही अमेजिंग केक बनता है, एकदम सॉफ्ट एंड मॉइस्ट ये बन के तैयार होता है, बहुत टेस्टी लगता है, तो ज़रूर से ट्राई कीजिए। तो चलिए फिर इस अमेजिंग से केक को हम बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सी के जार में हम डालेंगे 1 कप सूजी। तो यहाँ पे बारीक वाला या फिर मोटा वाला सूजी कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी हम इसमें डालेंगे 3/4 कप। अगर ग्राम्स के हिसाब से देखें तो लगभग 150 ग्राम चीनी का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। एकदम परफेक्ट मिठास आती है इससे। और अब इसी के साथ हम इसमें छोटी वाली जो इलायची होती है वो डाल देंगे 3 से 4। तो मैंने इसका छिलका निकाल लिया है, सिर्फ जो बीज होता है इलायची का वही डाला है। अच्छे से हम इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे और इस मिक्सचर को हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। तो बढ़िया से मैंने इसको एकदम बढ़िया सा पाउडर हो गया है ये निकाल लिया है इस बर्तन में। और इसमें अब हम यहाँ पे डालेंगे मैदा। तो जितना आपने सूजी, यानी कि सूजी हमने 1 कप ली थी, तो 1 कप ही हम इसमें मैदा डालेंगे। और इन सारी चीज़ों को हमें क्या करना है, पहले अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है। तो इस तरीके से हमारा ये ड्राई इन्ग्रीडियंट का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1/2 कप यहाँ पे ऑयल। तो मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है, 1/2 कप यानी कि 125 ml इसमें ऑयल डाला है। साथ ही हम इसमें मिल्क डाल देंगे यानी कि दूध। तो दूध आपका जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। पहले से आप बॉईल कर लें दूध को, रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब डालें। तो अभी मैंने इसमें 1 कप दूध का इस्तेमाल किया है, आगे हम इसमें 1/2 कप दूध और इस्तेमाल करेंगे। तो टोटल हमें 1.5 कप यहाँ पे दूध का इस्तेमाल करना है। अच्छे से सारी चीज़ों को यहाँ पे मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे, बिल्कुल स्मूथ हमारा बैटर तैयार हो। तो बाकी जो बचा हुआ 1/2 कप दूध है वो भी मैंने इस टाइम पे अभी इसमें डाल दिया है। इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये स्मूथ सा हमारा बैटर यहाँ पे तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हमें रेस्ट पे रखना होगा लगभग 5 से 10 मिनट के लिए, क्योंकि हमने सूजी का इस्तेमाल किया है। तो सूजी अच्छे से बढ़िया से फूल जाए और बढ़िया से यहाँ पे इसे रेस्ट करवा लें ताकि बहुत ही मॉइस्ट और सॉफ्ट हमारा केक बन के तैयार हो। तो ज़्यादा नहीं, 10 मिनट के लिए इसे ढक के रख देंगे। 10 मिनट बाद अगर आप देखेंगे तो बैटर है वो थोड़ा सा पहले से गाढ़ा हो चुका है। तो अभी तक हमने इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं किया था। तो इस तरीके से रेस्ट कराने के बाद आपको क्या करना है, इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालना है। तो 1/2 टीस्पून हम इसमें डाल देते हैं बेकिंग पाउडर और सेम 1/2 टीस्पून ही आपको इसमें डालना है बेकिंग सोडा। तो दोनों चीज़ें हमने 1/2 टीस्पून ही इसमें डाली है। इसे डालने के बाद अच्छे से हमें क्या करना है, बैटर में ये मिक्स हो जाए इस तरीके से मिक्स कर लेना है। तो थोड़ा सा अच्छे से स्पैचुला से इसे मिक्स कर लें, कट एंड फोल्ड के मेथड से इस तरीके से मिक्स करें ताकि बैटर बढ़िया से बनके तैयार हो। तो बैटर हमारा बिल्कुल बढ़िया बनके तैयार है। बैटर की कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है केक टिन। तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर वाला केक टिन इस्तेमाल किया है, 8 इंच का मैं केक टिन इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये जो मैं केक बना रही हूँ मुझे किसी को गिफ्ट करना है। तो थोड़े छोटे छोटे पीसेस में ही इसे मैं कट करने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो टोटल इसे 6 इंच के केक टिन में भी बना सकते हैं, राउंड केक टिन ले सकते हैं, लोफ टिन ले सकते हैं, किसी में भी आप इस केक को बेक कर सकते हैं। तो मुझे जो उसके स्लाइसेस थे थोड़े पतले रखने थे, इसीलिए मैंने इसे थोड़े से बड़े वाले टिन में बेक किया है। और इस केक को हम बेक करेंगे OTG या फिर अवन में, प्री हीट कर लें उसे 180 डिग्री सेल्सियस पे। 30 से 35 मिनट आराम से लगेगा इस केक को बेक होने में। तो 180 डिग्री सेल्सियस पे हम इसे लगभग 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छे से हमारा केक यहाँ पे 35 मिनट्स में बेक होके तैयार है। आप इसके ऊपर ब्राउनिंग देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया सा कलर आया है और बहुत ही अच्छे से हमारा केक यहाँ पे बेक हुआ है। 30 मिनट बाद आप एक बार केक को ज़रूर से चेक कर लें। तो केक को अब हम यहाँ पे कवर करके बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो किसी भी कपड़े से आप इसे ढक दें ताकि जो केक है उसका ऊपर का सरफेस ड्राई ना हो, बिल्कुल भी हार्ड ना हो आपका केक। इस तरीके से जो मॉइस्चर होता है केक का वो लॉक हो जाता है और आपका केक सॉफ्ट मॉइस्ट बना रहता है। तो केक जब अच्छे से ठंडा हो जाए तो इसे डीमोल्ड कर लेंगे। केक को डीमोल्ड करने के बाद अच्छे से आप जिस भी साइज में इसके पीसेस कट करना चाहते हैं आप कट कर सकते हैं।
तो बटर पेपर हमने लगाया था जिसकी वजह से बहुत ही इजीली ये डीमोल्ड हो गया है केक, और इस तरीके से मैं इसे यहाँ पे स्लाइसेस में कट कर रही हूँ। तो थोड़े से छोटे या फिर बड़े साइज में जैसे भी आपको चाहिए आप इसे कट कर सकते हैं। आपको कट करते ही इस केक को समझ आ रहा होगा कि कितना सॉफ्ट एंड मॉइस्ट हमारा केक बन के तैयार हुआ है। इसका अंदर का टेक्स्चर आप देख सकते हैं, इतना सॉफ्ट है, एकदम मॉइस्ट है ये केक। और यकीन मानिए इस केक को आप इस तरीके से जब घर पर बनाएंगे ना तो आप बाहर के सारे केक खाना भूल जाएंगे, इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसका कलर देख सकते हैं, इसका टेक्सचर देख सकते हैं, इतना सॉफ्ट है, मॉइस्ट है ये केक। और बिल्कुल घर पे जो हमारे पास चीज़ें होती हैं उसी से हमने इसको बना के तैयार किया है। तो ज़रूर से ट्राई कीजिए, एकदम परफेक्ट रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। रेसिपी अगर ट्राई करते हैं तो उसकी फोटोज हमें इंस्टाग्राम पर आप ज़रूर से शेयर कर सकते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और साथ ही मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू watching.